जुडिशियस फेजेस ऑफ सीआरएम प्रोजेक्ट्स के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे और बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइव फेजेस ऑफ अ सीआरएम प्रोजेक्ट. सो द फेज नंबर वन इज डेवलप द सीआरएम स्ट्रेटजी, फिर फेज नंबर टू है बिल्ड सीआरएम प्रोजेक्ट, फेज नंबर थ्री टॉक्स अबाउट नीड स्पेसिफिकेशन एंड पार्टनर सिलेक्शन, फेज नंबर फोर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और लास्ट फेज है इवेल्युएट परफॉर्मेंस. इसको इन सारे फेजेस को इसी सीक्वेंस में हम एक बार डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फेज नंबर वन दैट इज डेवलप द सीआरएम स्ट्रेटजी. देखिए सीआरएम स्ट्रेटजी एक हाई लेवल एक्शन प्लान है जो कि लोगों को प्रोसेसेस को और टेक्नोलॉजी को अलाइन कर देता है ताकि ये मिलकर कस्टमर रिलेटेड गोल्स जो भी किसी कंपनी के हैं उनको अचीव कर पाए. तो जब भी कोई कंपनी सीआरएम स्ट्रेटजी डेवलप कर रही होती है तो कुछ पॉइंट उसको कंसिडर करने पड़ते हैं. नंबर वन सिचुएशन एनालिसिस. ये एक 3D एनालिसिस है तीन चीजों का. कौन कौन सी? पहला, कंपनी कौन से मार्केट सेगमेंट को सर्व कर रही है, कंपनी की खुद की मार्केट ऑफरिंग क्या है यानी उसके कौन क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, और चैनल्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा रूट कंपनी चूज कर रही है टू रीच टू इट्स कस्टमर, अपना प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में तक पहुंचाने के लिए कंपनी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो कर रही है. फिर है कस्टमर और सेगमेंट्स, कंपनी की अपने कस्टमर को लेकर मार्केटिंग और सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो कंपनी मासेस के लिए प्रोडक्ट बनाती है या फिर एक्सक्लूसिव लिमिटेड प्रोडक्ट फॉर एलीट क्लास. तो उसके इस पे डिपेंड करेगा कि वो अपनी मार्केटिंग और सेल्स ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या है. फिर है मार्केट ऑफरिंग, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है और इन प्रोडक्ट्स का कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. फिर इसी फेज के अंदर, फेज नंबर वन के अंदर, हम चैनल्स को भी एनालाइज करेंगे, कौन सा चैनल कंपनी यूज कर रही है अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में इट इज, हम सभी जानते हैं, फैक्ट्री आउटलेट, कंपनी ने खुद प्रोड्यूस करा और अपने ही आउटलेट पर जाकर वो उसको सेल ऑफ कर रही है. इनडायरेक्ट में इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है, जैसे कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और उसे बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, जिन्होंने आगे उसको भेजा होलसेलर को, वहां से वो गया मास रिटेलर, वहां से गया रिटेलर और फिर फाइनली कस्टमर. दोनों ही चैनल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अपने अपने फायदे और नुकसान है. डायरेक्ट चैनल अगर कंपनी यूज करती है तो यस, फाइनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स कम रख सकती है, ये इसका फायदा है डायरेक्ट चैनल का. इसका नुकसान भी है कि हर जगह कोई कंपनी अपने फैक्ट्री आउटलेट नहीं खोल सकती. वहीं दूसरी तरफ अगर इनडायरेक्ट चैनल की बात करें तो इसका फायदा यह है कि रीच बढ़ जाएगी कंपनी की, वो दूर दराज के एरियाज तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकती है. नुकसान यहां पर क्या है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर मास रिटेलर रिटेलर है ये अपना कमीशन बीच में ऐड करते जाएंगे जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है. प्लस चैनल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कंपनीज कस्टमर टच पॉइंट पर होने वाले सारे प्रोसेसेस को भी आइडेंटिफाई करती है. फिर है कमेंस सीआरएम एजुकेशन. जब भी कोई नई सीआरएम स्ट्रेटजी कोई कंपनी बना रही है तो उस सीआरएम के बारे में अपने एम्प्लॉइज को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एजुकेशन से क्या होगा, दो फायदे होंगे. पहला, जो लोग डर रहे हैं इस नई सीआरएम स्ट्रेटजी से, हम सभी चेंजेस से डरते हैं, सो ऑल दोस पीपल हु आर स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू सीआरएम स्ट्रेटजी, उनको अगर एजुकेट करा जाएगा तो वो डर खत्म हो जाएगा, पहला बेनिफिट. दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई एजुकेशन की वजह से, डर खत्म हो गया, तो ये लोग अब इस नए सीआरएम स्ट्रेटजी के फॉर्मेशन में, उसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और एनकरेज हो जाएंगे उसमें इन्वॉल्व होने के लिए. फिर है डेवलप द सीआरएम विजन. सीआरएम विजन एक हाई लेवल स्टेटमेंट है कि कैसे ये सीआरएम आपके बिजनेस को चेंज करेगा फ्यूचर में. फेज नंबर वन के अंदर ही आगे बात करेंगे सेट प्रायोरिटीज. नॉर्मली प्रायोरिटी यहां पर क्या है सीआरएम स्ट्रेटजी की, दो. पहला, कॉस्ट को जितना कम से कम हम रख सकें वो, यानी कॉस्ट रिडक्शन, और दूसरा कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करना, बढ़ाना. फिर एस्टैब्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. गोल्स होते हैं क्वालिटेटिव आउटकम जिनको कि नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव हाँ वो मेजरेबल होते हैं. तो फॉर एग्जांपल सीआरएम गोल ये हो सकता है कि हमें नए कस्टमर एक्वायर करने हैं. देन आइडेंटिफाई पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स. अब हमें इन्वेस्ट करना होगा अपने लोगों की ट्रेनिंग में, नए मैनेजमेंट प्रोसेस को इंजीनियर करने में और सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने में.
फेज नंबर वन में हमने सीआरएम स्ट्रेटेजी बनाई, अब हम आते हैं फेज नंबर टू जहां पर वी विल एक्चुअली बिल्ड अ सीआरएम प्रोजेक्ट। इसके अंदर पहला स्टेप रहेगा फाउंडेशंस। अब जब क्योंकि सीआरएम स्ट्रेटेजी हम बना चुके हैं, अगला स्टेप यानी कि फेज नंबर टू क्या है कि हम सीआरएम के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक ग्राउंड बनाए, एक फाउंडेशन बनाए। यहां पर हमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो कि इस चेंज से इंपैक्ट होंगे, अफेक्टेड होंगे, कुछ भी फर्क पड़ेगा उनके ऊपर इस सीआरएम प्रोजेक्ट के आने से। ये सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी हो सकते हैं, नए सिस्टम के यूजर हो सकते हैं, मार्केटिंग स्टाफ हो सकता है, सेल्स वाले लोग हो सकते हैं, कस्टमर सर्विस एजेंट्स हो सकते हैं, चैनल पार्टनर्स, कस्टमर्स और आईटी स्पेशलिस्ट, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। फिर एक और चीज आइडेंटिफाई करनी है, वो है चेंज मैनेजमेंट नीड, कि अब जो चेंज होने वाला है इस प्रोजेक्ट के आने से उसको डिस्क्राइब करना होगा टॉप डाउन लीडरशिप के टर्म्स में भी और बॉटम अप इंप्लीमेंटेशन के टर्म्स के अंदर भी। फिर फेज नंबर टू के अंदर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नीड्स। यहां पर हम वो टास्क सेट करेंगे जो हमें परफॉर्म करने हैं, किस ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करना है, हर एक टास्क के लिए कितना टाइम हम दे सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें कि मैन पावर और मनी यानी फाइनेंस दोनों चीज इन्वॉल्व होगी, और हर एक टास्क से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या डिलीवर करेगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, CSF बोलते हैं इनको। ये कुछ मस्ट हैव्स होते हैं, वो चीजें जो प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए तभी उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कहा जा सकता है। फिर डेवलप अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ऑब्वियसली आप नया सीआरएम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी होंगे, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज यानी कि रिस्क को रिड्यूस करने की, उसको कम करने की स्ट्रेटजीज को भी इन्वेंट करना है, और कुछ कंटिजेंसी प्लान्स को भी हमें रेडी रखना चाहिए। कंटिजेंसी प्लान्स मतलब अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है देन व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लान बी, तो ये भी हमें यहाँ पर इस फेज में करना होगा। अब आते हैं हम फेज नंबर थ्री पर जहां पर नीड स्पेसिफिकेशन और पार्टनर सिलेक्शन की बात होगी। सबसे पहला है प्रोसेस मैपिंग एंड रिफाइनमेंट। हमें वो सारे बिजनेस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है जिनको हमारी अटेंशन की जरूरत है, जिनको हम और ज्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो उनको मार्क कर देंगे कि इन प्रोसेसेस को हम ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन में चला जाइए। फिर है डेटा रिव्यू एंड गैप एनालिसिस, क्योंकि नया सीआरएम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसकी डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, सीआरएम इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या शॉर्टफॉल हो सकते हैं, उनको हमें रिव्यू करना होगा। फिर हम लिखेंगे, वी विल राइट अ RFP, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब जब हम कोई पार्टनर सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब किसी वेंडर को हायर कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें एक डिटेल्ड RFP लिखना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट है यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये एक स्टैंडर्ड बन जाएगा जिसके अगेंस्ट, जिसके बदले में या जिसके रिस्पॉन्स में वेंडर हमें अपने प्रपोजल भेजेंगे जिनको हम इवेल्युएट करेंगे। फिर आता है कॉल फॉर प्रपोजल। सीआरएम प्रोजेक्ट में कभी कभी इनपुट चाहिए होते हैं अलग अलग प्रोसेसेस, लोगों से भी और टेक्नोलॉजी पार्टनर से भी। तो रिवाइज्ड टेक्नोलॉजी नीड्स आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप है। टेक्नोलॉजी वेंडर से जो प्रपोजल आएंगे वो हमें सीआरएम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की और ज्यादा नई नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करा सकते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं। नेक्स्ट स्टेप आ गया असेसमेंट एंड पार्टनर सिलेक्शन। अब जब हमारे पास कई सारे प्रपोजल आ चुके हैं तो हमें अपनी नीड और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन सारे प्रपोजल्स में से एक या उससे ज्यादा पार्टनर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट फेज इज फेज फोर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। यहां पर हमें जो हमने ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान बनाया था उसको रिफाइन करना पड़ेगा पहले, तो क्योंकि पहले जो हमने प्रोजेक्ट प्लान बनाया था वो हमारे जो बाद में वेंडर पार्टनर बने हैं उनकी नीड और अवेलेबिलिटी को कंसिडर करें बिना बनाया था, क्योंकि तब वो थे ही नहीं हमारी टीम में, तो इसलिए प्रोजेक्ट प्लान को हो सकता है रिफाइन करना पड़े। उसके बाद वी नीड टू आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजी कस्टमाइजेशन नीड्स। यहां पर गैप एनालिसिस अप्रोच यूज करी जाती है। जो भी हमारा हमको बिजनेस प्रोसेस चाहिए वो हम बता देंगे अपने वेंडर को, जो कुछ प्रिपरेशन करने के बाद हमें ये रिवर्ट करेगा, हमें ये बताएगा कि उसका सॉफ्टवेयर हमारे इन बिजनेस प्रोसेस को कैसे सपोर्ट कर सकता है, और ये होगा थ्रू गैप एनालिसिस। फिर है प्रोटोटाइप डिजाइन टेस्ट मॉडिफाई एंड रोल आउट। इस स्टेप में हम एक प्रोटोटाइप यानी एक डमी तैयार करेंगे जिसको टेस्ट करेगा हमारा एंड यूजर डुप्लीकेट सेट ऑफ डेटा पर या फिर डमी सेट पर। एंड यूजर के जो टेस्ट होंगे वो ये बताएंगे कि क्या हमारे इस प्रोटोटाइप में और कोई ज्यादा कस्टमाइजेशन या रिफाइनमेंट की जरूरत है या नहीं। लास्ट फेज
इवेल्युएट परफॉर्मेंस. अब जब हमने अपना सीआरएम प्रोजेक्ट बनाकर इंप्लीमेंट कर दिया है तो फाइनल फेज में हम सीआरएम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करेंगे, कितना अच्छा हमारे प्रोजेक्ट ने परफॉर्म किया है. और ये करेंगे हम दो सेट ऑफ वेरिएबल्स को मेजर करके, पहला प्रोजेक्ट आउटकम और दूसरा बिजनेस आउटकम्स. इन पैरामीटर्स को स्टडी कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट हिट है या फ्लॉप. प्रोजेक्ट आउटकम फोकस करेगा दो चीजों पर कि क्या प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हुआ पहला, और दूसरा क्या ये प्रोजेक्ट विद इन बजट रेडी हो गया. ये होता है प्रोजेक्ट आउटकम. दूसरा है बिजनेस आउटकम. यहां पर ये देखा जाएगा कि क्या कोई ऑब्जर्वेबल रिजल्ट या चेंज आया हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस में. मतलब पहली बात तो चेंज आना चाहिए क्योंकि इतना हमने सारे फेज करे, सीआरएम प्रोजेक्ट बनाकर इंप्लीमेंट करा, तो ये इसलिए तो करा कि बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए. अगर कोई चेंज नहीं आया ये सब करने के बाद भी हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस में, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं है. यस, चेंज आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस. तो उससे हम इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि हमारा सीआरएम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फाइव फेजेस ऑफ द सीआरएम प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, इट्स मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ. बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच.